हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग दोस्तों। तो दोस्तों, आज हमारे यहाँ बारिश बहुत हो रहा है और सुबह से बारिश हो रहा है दोस्तों, तो इसलिए मार्केट नहीं जा पा रहा हूँ। तो आज काफी दिक्कत है दोस्तों, और मार्केट ना जाने का हाँ मेन कारण है कि दोस्तों, बारिश जब होता है, थोड़ा बहुत होता है तो मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब ज्यादा बारिश होता है तो लोग जो मार्केट में आते हैं कपड़ा लेने वाले, और जो मतलब बाजार में बहुत सारी गाड़ी आती है, बहुत सारे साइकिल आती है, मोटरसाइकिल आती है, जिससे कीचड़ बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब हम बाजार के अंदर एंट्री करते हैं दोस्तों बाइक पर लोड करके कपड़ा, तो काफी दिक्कत होता है, काफी रिस्क होता है गिरने का। तो इसलिए दोस्तों हम आज मार्केट नहीं जा पा रहे हैं, और काफी लोगों को कमेंट का जवाब भी देना दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट किए हैं, भाई खलीलाबाद कहाँ है, खलीलाबाद में क्या क्या मिलता है, खलीलाबाद में क्या कौन कौन से आइटम मिलता है, और भाई आप कहाँ से कपड़ा लेते आते हो, ये सब का डिटेल हमें बताइए। और इसी सब का डिटेल और इसी सब का आपको जवाब देने के लिए ये वीडियो बहुत खास होने वाली है, क्योंकि उन लोगों को भाई ये सबसे जरूरत है, जो लोग भाई अभी नए में दुकान करके फंस चुके हैं, जो दुकान आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, जिसको लगता है कि हमें दुकान बंद करना है, तो उनके लिए वीडियो बहुत खास होने वाली है। क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोग कपड़े की दुकान तो करते हैं वीडियो देखकर, और बहुत सारे लोगों का नकल करके कि भाई मैं वो दुगना रेट कमा रहा, तो हम भी दुगना रेट कमाएंगे। तो इसी पर हम कुछ आपको बहुत खास खास पॉइंट बताने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपको अच्छी जानकारी नहीं मिलेगी तो आप कभी भी आप विफल हो सकते हो, कभी भी आप सफल नहीं हो सकते। तो दोस्तों इसको पूरी वीडियो देखना, वीडियो एक भी मिक्स नहीं करना, क्योंकि हर सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं, अगर अगर आपको सक्सेस होना है कपड़े की लाइन में तो। क्योंकि दोस्तों मैं एक ऐसा समय था कि मैं रो रहा था दोस्तों कि हमारा दुकान पे एक भी कस्टमर नहीं आते थे, और क्या हुआ मैं बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। लेकिन दोस्तों दिन रात सोचता था कि लोग मुझे क्या बोलेंगे, गांव के लोग क्या बोलते हैं कि ला के जो पैसा कमाया था, इकट्ठा किया था, एक एक पाई जोड़ के उसको दुकान में डाल दिया, अभी तो घर भी नहीं बना है। क्योंकि दोस्तों मेरा घर भी नहीं बना हो, आप लोग मेरे वीडियो में बहुत सारे देखते होंगे कि मैं एक मरहा टाइप में रहता, झुग्गी टाइप में रहता हूँ, जो हमारे घर की बहुत हालत खराब होती है जब बारिश होता है, जब धूप बहुत ज्यादा होता है, जब आंधी तूफान आता है। लेकिन दोस्तों मैंने दिल में ठान लिया हूं कि जब तक अपना बिजनेस सक्सेस नहीं कर लूंगा जिंदगी में, तब तक घर नहीं बनाऊंगा। क्योंकि जब हम अपना पूरी तरह से मजबूत हो जाएंगे तो पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोगों की दुआ से मैं कभी ना कभी घर बनाऊंगा, नहीं तो ऐसे ही रहूंगा, चाहे मुझे फुटपाथ पर रहना पड़े और चाहे मुझे मरहा रखकर रहना पड़े। तो लेकिन दोस्तों काफी लोगों का कमेंट था कि मैं कपड़ा कहाँ से लूँ, हरकेश भाई आप कपड़ा कहाँ से लेते हो, आपका कपड़ा लाते हो फायदा है कि नहीं फायदा है। तो हम इसी बात पे आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ, और बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो फुल देखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों खलीलाबाद यहाँ से हमारे यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है, अयोध्या टाइम में दोस्तों, ये पड़ जाता है अयोध्या से 100 किलोमीटर दूर, और जिसे बरदहिया मार्केट बोलते हैं वहां पर। और जो गूगल पे सर्च मारोगे या फिर कहीं भी किसी भी कोने से आप बरदहिया मार्केट खलीलाबाद बोलोगे तो आपको ले जाके गोंडा के साइड में पटकेगा, एकदम गोंडा से एकदम सटा हुआ है। तो बाजार में अगर आपको काम करने हैं, अगर आपको इस लाइन में अगर पास होना है, तो दोस्तों इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि दोस्तों जो रास्ते से मैं गुजरा हूं वही रास्ते शायद आप भी गुजर रहे होंगे, और आप भी दुकान बंद करने वाले होंगे या कोई दुकान खोलने वाला है उसके लिए ये बहुत खास वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों जैसा कि हम कोई भी काम करते हैं तो पैसे के लिए करते हैं, अगर पैसे हमारे पास नहीं होगा तो कुछ भी नहीं आए। क्योंकि जो भी हम शुरुआत करेंगे मोटी रकम होना चाहिए या फिर थोड़ा रकम होना चाहिए, सबसे आपको पहले से बजट बनाना पड़ेगा। आप चाहे 2 लाख का कपड़े की दुकान खोल रहे हो, चाहे 10 लाख का और चाहे 50,000 का, लेकिन आपके पास हुनर नहीं होगा, आपके पास आइडिया कुछ नहीं होगा, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब आप दुकान बनाने जाओगे तब भी आपको समझ में नहीं आएगा कि दुकान हम किस तरह बनाएं, तो दुकान बनाने के लिए भी आपको पहले सीखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों अगर आप पैसे लगा रहे हो तो आप बहुत सोच समझ के लगा रहे होगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हम पैसे लगा रहे हैं तो इसका हम पैसे कमाएंगे इसी में लगा के। तो ऐसी गलती मत करो कि दोस्तों कि आप शुरुआत में ही आप पैसे लगाओ, आप जीरो पे चले जाओ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बताना चाहता हूं, खलीलाबाद बहुत अच्छी मार्केट है। अगर आप फुटकर में या फिर फेरी काम या मार्केट में काम करना चाहते हो तो खलीलाबाद सबसे बेस्ट है। लेकिन दोस्तों खलीलाबाद में भी रेट का नीचे ऊपर होता है, जब आपको अच्छी जानकारी नहीं होगा तब आपको भी उसमें ठगा जा सकता है, तो इसलिए आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है कहीं से आप कपड़ा लेते हो। तो खलीलाबाद के लिए बताता हूं कि खलीलाबाद से मैं जब से कपड़ा स्टार्ट किया हूं दोस्तों, जब से हमें प्रॉफिट
80% मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि हम कोई भी कपड़ा ले आते हैं तो बहुत आराम से बिक जाता है। और 80% इसलिए बता रहे हैं कि हमारा कपड़ा खलीला बाजता, कोई भी नहीं रुका। आप अभी तक कोई भी कपड़ा मेरे दुकान पे नहीं बचा जो मतलब मेरा नुकसान हो गया हो। और ना रुकने का कारण है दोस्तों रेट। जब हम गांव से बिलोंग करते हैं, जो हम गांव छोटे छोटे शहरों से अगर हम कस्बों में काम करते हैं तो वहां क्या होगा, आपको 1000-2000 वाला सामान नहीं रखना होगा, क्योंकि हमें छोटे छोटे सामानों में, जैसे कोई सब्जी वाला है, कोई चाट वाला है, कोई मतलब बहुत से बेकरी वाला है, कोई किराना वाला है, एक एक रुपए पे काम करता है, 25-25 पैसे पे काम करता है, वैसे हमें कपड़े वाले को भी उसी तरह काम करना है। जैसे हम कोई भी सामान लेने जाते हैं खलीलाबाद से, तो दोस्तों हम 7 रुपए तक से स्टार्ट है। वहां ठंड का समय में जब गए थे तो मैं 5.5 रुपए में लाए थे दोस्तों, और लास्ट लाया था 150 तक कोटी बस, और इससे महंगा नहीं लाया। और गर्मी में भी मैं लगभग 19 रुपए से 18 रुपए से और लेके 100-150 तक या 250 के लास्ट जाता है। जींस लेता हूं तो 250 तक जाता हूं, नहीं तो दोस्तों इतना महंगा मैं कपड़ा नहीं लेता, 100 के नीचे नीचे रहता है या 100, 120, 130। लेकिन दोस्तों मार्केट में आप अलग अलग रेट होता है, जैसे खलीलाबाद का अलग रेट है और प्रतापगढ़ का अलग रेट है और कानपुर का अलग रेट है, और ऐसे अलग अलग रेट सबका बटा हुआ है। तो दोस्तों जहां से आप जोन क्वालिटी लाओगे 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया नीचे ऊपर रहता है, तो हर जगह का रेट अलग होगा, क्योंकि दिल्ली के लोग खलीलाबाद में आते हैं, बनारस के लोग खलीलाबाद या मुंबई के आते हैं, मतलब हर जगह कानपुर के लोग आते हैं खलीलाबाद में, तो वहां हफ्ते में 2 दिन मार्केट लगता है और शनिवार और संडे, सोमवार को खत्म हो जाता है, तो हफ्ते में 2 मार्केट लगता है, लेकिन जबरदस्त लगता है दोस्तों। अगर वहां के लिए आप मिनिमम 50,000 रखिए, अगर आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप चाहे 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 4,00,000 लगा दो, लेकिन दोस्तों अच्छी जानकारी नहीं रहेगी तो आपको 4,00,000, 5,00,000 लगाने जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सीखना है और उसी में से आपको आगे बढ़ना है। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो लोग पहले से दुकान कर चुके हैं या उनकी दुकान नहीं चल रही, वो महंगा कपड़ा ला लिए हैं या बहुत सारा उनका नुकसान हो रहा है, तो दोस्तों मेरा विनती उन लोगों से इतना है कि वो कपड़ा जहां पे है वैसे रखे रहे, और हम उसमें से आपको बताते हैं कि उसमें से आपको सस्ता कपड़ा खलीलाबाद जाके लाना है दोस्तों। जो 50-55 रुपए से हर कपड़ा स्टार्ट हो जाता है, आप केवल आप अगर अपनी दुकान को या फिर सिटी में हो तो कोई बात नहीं है दोस्तों, अब मार्केट में हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब गांव टाइप से अगर बिलोंग करते हैं जहां आपकी दुकान आउट में है, जहां पर लोग आते नहीं है, तो हम इतना कहते हैं कि वो दुकान वहीं पे छोड़ दीजिए। अगर भाड़ा ज्यादा पड़ रहा है तो दुकान का सामान जितना है वो अपने घर पे उठा के ले जाइए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वहां पर आप कितना भी सामान भर लोगे, अगर आप अमीर होते, 10-5 लाख लगाने की क्षमता आपको होती तो आउट में दुकान क्यों करते। तो मैं यही जानता हूं कि आप जो भी मेरी वीडियो देख रहे होगे, आप मुश्किल से छोटी छोटी व्यापारी देख रहे होगे, क्योंकि बड़े व्यापारी बहुत कम देखते होंगे, क्योंकि हम ये वीडियो उन्हीं के लिए बनाते हूं जो लोग भाई अभी 10,000, 20,000, 50,000, 1,00,000 खंड इकट्ठा करके वो फंस चुके हैं, तो उनको बाहर निकालने के लिए यह सबसे बढ़िया रास्ता मैं बताता हूं, क्योंकि उस रास्ते से हम भी निकले हैं। और आज आप लोगों की दुआ से मैं भी रोज 5 दिन हफ्ते में भी मार्केट कर रहा हूं, हमारी दुकान का शटर नीचे रहा है चाहे ऊपर है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम मार्केट से उतना कमा के ले आते हैं जिससे हमारा लेवल बराबर हो जाता है दुकान का और घर का। तो बस यही कहता हूं कि अगर आपके पास पुराना माल है तो उसको वहीं पर रहने दीजिए, और दोस्तों आप 30,000 से 40,000 या 20 से 25,000 रुपया लगा के खलीलाबाद जाइए दोस्तों, आप चुन चुन के कपड़ा लाइए जो आपके एरिया में बिकने वाला, जो शेरी में बिकने वाला है। अगर आपको जानकारी ना हो तो हमारी वीडियो आप लोग देखे होंगे, मुश्किल से मैं शेरी मारता हूं तो 20 से 30 हजार का कम से कम आइटम होगा, नहीं 15,000 का आइटम रहते लेके चलता हूं फेरी में। तो आपको इतना ही आइटम लेके चलना है, 20 से 15 हजार का सामान खलीलाबाद से चुन चुन के लाइए, जैसे चुनरी, प्लाजो, स्टोल और टी शर्ट, लूगर और शर्ट, और इसमें बहुत सारी आइटम आती हैं, आपको कितना पीस हम गिनाएंगे, जब आप मार्केट जाओगे या हमारी फेरी में देखोगे तो उसमें आपको सब पता चल जाएगा कौन कौन सी आइटम ज्यादा बिकता है। तो दोस्तों ये सब आइटम लाओ कि उसमें मिक्स करो, और दोस्तों अगर आपके अंदर क्षमता है, आपको अगर अपने आप को आगे बढ़ाना है तो शर्म लिहाज पहला नंबर छोड़ना पड़ेगा, और शर्म लिहाज छोड़ के दोस्तों आपको 100% अपने काम पर फोकस करना पड़ेगा। मुश्किल से आपको 1 साल देना है दोस्तों,
एक साल के बाद आप देख लेना, आप इतना डबल होते जाओगे कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि हम अपने आंखों से देखे हैं उन लोगों को काम करते हो जो 100% दे रहे हैं और सुबह निकलते हैं शाम को 6 बजे आते हैं और 3000-4000 का सिर्फ फेरिंग बेच के आते हैं दोस्तों, और जो मार्केट जाते हैं 2 घंटा 1 घंटा में वो 3000-4000 डेली का 5000-6000 बेच के आते हैं, जो हफ्ते में जाके फिर माल लेके आते हैं खत्म करके। तो बस यही काम आपको भी करना है। लेकिन दोस्तों खलीलाबाद जाने का सबसे अच्छा रास्ता है कि जब भी जाना वहां पे दोस्तों कि चारों तरफ के वहां पर भाड़ा मिलता है और चारों तरफ का वहां का किराया, चारों तरफ का वहां से टैक्सी से आप बस से या ट्रक से जा सकते हो। खलीलाबाद लोकेशन मारिए। और दोस्तों हम इसलिए आपको दुकान का नाम नहीं बताते क्योंकि अभी हम आपको जिस दुकान का आप एड्रेस दे दें, मान लो हमें सस्ता वहां से लेके आया हूँ और जाके आप महंगा सामान वहीं से ले आओ तो बाद में बोलोगे हरकेश भाई आपका ऐसे ऐसी दुकान का एड्रेस दे थे और मैं वहां फंस गया, और तो ऐसी गलती ना करो दोस्तों। और इसलिए मैं आपको किसी भी दुकान का नंबर भी नहीं देता। आप जाइए खलीलाबाद में और आप घूमिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन जाओ कपड़े खरीद लेके आओ, नहीं दोस्तों 10-5 हजार लेके जाइए, आप पूरे मार्केट को अच्छे से घूमिए और जगह जगह आप रेट पूछिए कहाँ पर ज्यादा हो रहा है कहाँ पर कम जा रहा है, उससे बोलिए भैया मैं इतने में 2-4 रुपया घटा के बोलो भाई मैं इतने में मिलता है इतने में मैं ले जाऊंगा, क्योंकि मैं सारा कुछ आपको डिटेल सारा कुछ आपको कपड़े के विषय में बता चुका हूँ कि इतने से इतने तक वहां मिल जाता है, तो इतने से उतने तक मिलता है, तभी आप वहां पे जाओ और बात करो और आप चुन चुन के कपड़ा लेके आओ दोस्तों, चुन चुन के कपड़ा लेके आओ जो बिकने वाला हो, जो सबसे बढ़िया मार्केट में इस समय बिक रहा हो। पहला नंबर तो दोस्तों सीजन अभी चल रहा था बहुत धड़ाके के क्योंकि अच्छा सेलिंग हो रहा है इस समय। अगर दोस्तों खलीलाबाद से आप ज्यादा ज्यादा 15000 का सामान लेके आओगे तो हम इतना जानते हैं कि हफ्ते में 15000 में 5000 तो कमा ही सकते हो, ये गारंटी। लेकिन सारा सामान बिकने बाद आप ये नहीं बोलना दोस्तों कि आप 15000 के सामान लोगे 5000 कमा लूंगा। दोस्तों ये कला आपके अंदर होना चाहिए पहले से, ये कला नहीं है तो आपको सीखना चाहिए, क्योंकि शुरू में आप बढ़ चढ़ के दाम बताओगे तो दोस्तों नहीं कमा पाओगे, गारंटी है ये बात कभी नहीं। पहले आपको कस्टमर बनाने हैं फिर आपको कमाने हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा भी नहीं करना है कि आप जो भी लेके जाओ बेचने के लिए उसमें से आप घाटा होके आओ, जब शाम को पता करें नोट करो तो पता लगे हमारे दोस्तों छू गया है, ऐसी गलती नहीं करना दोस्तों। लेकिन दोस्तों कपड़ा एक ऐसा जरिया है जो साल के 12 मास आप कहीं भी बेच सकते हो और कभी भी किसी भी मौसम में, तो आप कपड़ा कभी खराब नहीं होता, क्योंकि दोस्तों मैं भी मार्केट में काम कर रहा हूँ, हमारे पास इस समय जितना भी आइटम लाया था खलीलाबाद से दोस्तों 30000 का लाया था, मेरी वीडियो आप लोग देखे होंगे वो सारा बेच चुका हूँ दोस्तों, अभी मेरे दुकान में सामान है, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत कम दुकान पे सेल कर रहा हूँ कपड़ा, कोई आता भी है तो मैं बोलता हूँ भाई अभी टाइम नहीं है मैं मार्केट जा रहा हूँ, या अभी कोई आता है तो हमारी वाइफ रहती वो लोग दिखा देते हैं, लेकिन दोस्तों मैं मार्केट में ज्यादा ध्यान देता हूँ, दुकान पे थोड़ा कम दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे पता है मार्केट में कितनी अच्छी कमाई है और कितना अच्छा लेवल वहां मिलता है। तो बस आपको मार्केट जाना है फेरी करना है, जो दोस्तों फेरी करोगे तो उसमें पेट्रोल का खर्चा लगेगा और जो मार्केट जाओगे तो पेट्रोल का खर्चा कम लगेगा और 20-25 रुपए आपको बैठी देना होगा एक दिन का जो बाजार का होता है जिस दिन आप दुकान लगोगे उसी दिन। तो दोस्तों आपकी दुकान बंद हो रही है तो इससे क्या होगा कि आपका साइकिल चलना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपको रोज का आमदनी आना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे आपका मन लगेगा और आप 100% आप काम पर फोकस करोगे। जब आप मार्केट से 1000-2000-3000-4000 कमा कर लेके आओगे तो गारंटी करता हूँ दुकान से भी कुछ ना कुछ कमाई होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको चिंता किसी बात का नहीं होगा उस समय, आप बस 100% काम पर फोकस करिए और खलीलाबाद से कपड़ा जाके ले आइए दोस्तों, काफी अच्छी मार्केट है, आप घूम के लेना और चुन चुन के लेना कपड़ा दोस्तों जो आपके एरिया में बिकता हो। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ओके बाय।